डॉक्टर मोहन यादव उस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ताकि जिसका संगठन मजबूत वो निश्चित रूप से उसकी सरकार को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में संगठन और सरकार का तालमेल देश के स्तर पर भी है और यहाँ हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ तालमेल करके लगातार सभी कामों में सरकार अपना काम करे, सरकार सबके साथ लेके चलेगी। लेकिन सरकार में बने मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मूल रूप से वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के कार्यक्रमों में बराबरी से हिस्सा ले। इस अवसर पर ये जरूर मैंने इतना जरूर निवेदन किया है कि सरकार के जनहितैषी कामों को लेकर के संगठन के हमारे सारे बंधु नीचे तक जाएंगे और इसी सिलसिले में नित नए कार्यक्रम भी जोड़ते जा रहे हैं। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और ख़ास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गाँव का नीचे से नीचे तक का भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं, दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे। लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके CNG गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए गौ माता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकारता हो तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। और ये इसी के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और ख़ासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने थे और उससे पहले हमने आपको कुटाई पिटाई वाली एक खबर बताई थी। अब सीधी की एक खबर बताते हैं, यहां मोहब्बत में पिटाई हुई है। प्रेम प्रसंग में एक युवक को जमकर पीटा गया, युवती से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था, युवती के परिजनों के हत्थे चढ़ गया और फिर जो हुआ वो आपकी स्क्रीन पर। प्रेम प्रसंग में युवक की जमकर पिटाई, एक पिटाई जासूस की पिटाई हमने आपको दिखाई और अब मोहब्बत में यह आशिक पिटा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवती के परिजनों ने इससे पकड़ लिया, जमकर पीटा। खबर इंदौर से, जहां हिंदू लड़की को टुकड़े टुकड़े कर और धर्मांतरण कराने की धमकी मिली है। धमकी देने का आरोप सादिक नाम के युवक पर है। ये लड़की को शादी का झांसा देकर कई सालों से यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पीड़िता की मुलाकात कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान 2018 में हुई थी और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने टुकड़े टुकड़े करने और धर्मांतरण की धमकी दी। अब पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल कर रही है। आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूर्या पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में, जो प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी शादी के, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें FIR दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें FIR बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। सीधा इंदौर लिए चलेंगे। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक और लव जिहाद का मामला, क्या अपडेट?
देखिए सादिक अभी जो नाम सामने आया है, आरोपी का नाम सादिक है, और सादिक से जो हिंदू लड़की है, जो हिंदू युवती है, मुलाकात 2018 में हुई थी। एक कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों की दोस्ती हुई थी। उसके बाद एक दिन सादिक ने घर पहुंचकर संबंध बना लिए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आने वाले समय में शादी करूंगा। उसके बाद उसने कहा कि ये गलत है और तुमने मेरे साथ गलत किया, तो बोले ठीक है, अगर तुम्हें गलत लगता है तो मेरे पास तुम्हारे आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो भी हैं, ये वायरल हो सकते हैं। उसके बाद लगातार कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में कहा मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा लेकिन तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, जब तुम मुस्लिम बनने के लिए राज़ी हो जाना तब मैं तुमसे शादी करूँगा। जब हिंदू लड़की ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया तो कहा मैं शादी भी नहीं करूँगा, और इस बीच में सादिक ने मुस्लिम दूसरी लड़की से शादी कर लिया। शादी के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। 2021 में फिर सादिक का फोन आया और सादिक ने कहा कि मेरा पत्नी से तलाक हो चुका है, इस वक्त मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। इसके बाद फिर मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद में फिर से शारीरिक संबंध बनाए और कई महीनों तक शारीरिक संबंध सादिक बनाता रहा। बार बार यही कहता रहा मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। बाद में जब हिंदू लड़की ने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, सिर्फ शारीरिक शोषण कर रहे हो, तो उसके बाद वो मारपीट करने लगा, मारपीट उतारू हो गया, और ये कहा कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना होगा तो मैं शादी करूंगा, वरना ये बात किसी को बताई तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी के वजह से वो थाने तक नहीं पहुंच रही थी, उन्हें डर लग रहा था। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मिथिलेश इसका तमाम अपडेट के लिए। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से पूरी जानकारी अपडेट कर रहे थे, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जबलपुर में अवैध मुरम खदान में बड़ा हादसा हो गया, खनन के दौरान मुरम खदान ढह गई, ड्राइवर की मौत हो गई है, पोकलेन मशीन ड्राइवर की। पाटन थाना इलाके के कुमगमा मुरम खदान में ये बड़ा हादसा हुआ है। इधर कोरबा में नशे के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला है, प्रशासन से गांव में शराबबंदी को लेकर गुहार लगाई गई है। अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। पसरखेत पंचायत में पूर्ण शराबबंदी की मांग की गई है। धौरा भाटा पसरखेत छिंदकोना का ये पूरा मामला है कोरबा में। हमारा समस्या है, हम जिसे करता ला जाथन दारू आ रहे से कार्रवाई करे, कुछ झगड़ा उगड़ा करते था ना करता ला वाला मिल जाते था, समझे दे हन कथे ओमन नी जाए हम लड़ाई नहीं करे, त ओकरे बार हम आबकारी विभाग ला ले जाबो धौरा भाटा छिन कोन हा कह के आया। मऊगंज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्या नजर आता है, पुलिस चौकी में दारोगा जी बड़े इत्मीनान से लुंगी पहनकर आराम फरमाते नजर आते हैं। फरियाद लेकर थाने में एक महिला पहुंचती है, दारोगा जी फटकार कर भगा देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के निर्देश दिए, पूरा मामला हटा पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कोनी थाना इलाका लगता है। कोनी थाना इलाके के रमतला में मारपीट की यह घटना हुई और यह रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी में। एएसपी उमेश कश्यप भी मौके पर पहुंचे, हालात को काबू में किया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले को सुलझा रही है, बदमाशों की तलाश कर रही है। और खंडवा में खाद के लिए किसान है परेशान, डीएपी खाद के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़, एक एकड़ जमीन पर एक बोरी खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को अब तक 600 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं, है ना, अभी तक खाद नहीं मिला है।
और अब देखते हैं कब तक मिलता है भी कि नहीं मिलता, और शनिवार संडे बंद रहता है। मैं 10 बजे से आया हूँ, खेती के लिए खाद वाद तो चाहिए, अभी कोई गुंजाइश नहीं है नंबर लगने की, पर वो बच्चे लोगों ने बोला है, मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे लिए 10 मिनट ओटी कर लेना, आखिरी में मेरे को दे देना, मेरा नंबर अगर नहीं आता तो उन्होंने ठीक है। और बिलासपुर में है चोरों की दहशत, मकान से लाखों का माल चोरों ने पार कर दिया, अलमारी का ताला तोड़ा और लाखों की चोरी निपटा दी। सकरी थाना इलाके के साई सिटी कॉलोनी में चोरी हुई है, अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे, यहां उन्होंने नाना खेड़ी केंद्र पहुंचकर किसानों से बातचीत की, कालाबाजारी की जानकारी ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों की शिकायत पर मुझे यहां आना पड़ा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि आखिर खाद को लेकर कौन दादागिरी कर रहा है। आना पड़ा क्योंकि यहां के हमारे मित्र ने एक वीडियो डाला जिस पर किसान लोग नाराज हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं खुद चल के पता लगाता हूँ फैक्ट क्या है। इसी तरह से राघोगढ़ के अंदर भी शिकायत मेरी आई कि वहाँ पे दादागिरी से लोग ज़्यादा उठा के ले गए, इस प्रकार की भी मेरे पास शिकायत आई, तो मैं जाके देख रहा हूँ भाई दादागिरी करने वाला चेहरा तो मैं देखूँ कौन है दादागिरी करता है। और अब बात वायनाड उपचुनाव से जुड़ी हुई, प्रियंका गांधी के हलफनामे पर बीजेपी ने किया है हमला। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रियंका पर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, साथ ही यह भी कहा कि जनता को मूर्ख ना समझें, जनता ही जनार्दन है। की तरफ से लगाए जा रहे हैं मोर्चा, संभाला है बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने। आपको याद दिलाएं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वायनाड वो पहुंची हुई थी, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है वायनाड लोकसभा सीट केरल की, इसमें उपचुनाव होना है। प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दिया है, बीजेपी का कहना है कि वो गलत है, गलत जानकारी उसमें दी गई है, हलफनामा एफिडेविट उसमें गलत जानकारी दी गई है। गौरव भाटिया ये भी कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख ना समझे, जनता जनार्दन है। अगर किसी ट्रस्ट के माध्यम से भी 2,62,411 शेयर्स होल्ड करती हैं, आपने इस एफिडेविट में जो मेरे समक्ष है क्यों नहीं ये बताया है कि ट्रस्ट के ही माध्यम से असेट तो है, इट इज एन असेट, मैंने वो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की पढ़ी, असेट होगा तो आपको बताना होगा, ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, शेयर तीन कंपनी जिसमें तीन एलएलपीज हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं पार्टनर है, वो है ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क एलएलपी और तीसरी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। लेकिन यह भी सार्वजनिक है जानकारी, क्योंकि ये रिटर्न्स फाइल करते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है, जो जानकारी सामने आई है और ये जनता ने उठाई है, रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो इज द पार्टनर इन 5 एलएलपीज।